Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another video. I hope you all are doing good and I hope you all are safe. So today's video is going to be on an Amazon haul क्योंकि Amazon पे चल रहा है उनका wardrobe refresh sale जिसपे आपको 50% to 70% off मिल जाएगा एंड ये जो सेल है ये 22nd जून तक ही है तो मेक श्योर दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ इट. सो आई हैव गॉट सम like I have got a bunch of products and इसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा beautiful dresses है, tops है, jewelry भी है and I have shorts as well. So सब कुछ मैं आप लोगों के साथ share करूँगी. जो links है description box में आपको मिल जाएंगे and एक single link भी दे दूँगी my haul store का link जिससे आप products जो है एक साथ देख सकते हैं and एक साथ आप purchase भी कर सकते हैं एक single link से. So let's get started. So the first dress is this one and ये जो dress है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था तो इसीलिए मैंने इसे purchase किया. It's a really nice summer dress. एंड ये एक्चुअली ऐसा ड्रेस है कि आप कोई भी सीजन में डे टाइम के लिए पहन सकते हैं. इट्स सच अ ब्यूटिफुल कलर. इसमें आपको इस टाइप का नेकलाइन मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं है एंड इस टाइप के पफ स्लीव्स मिल जाएंगे. द कलर इज एब्सोल्यूटली गॉर्जियस. बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर है एंड नीचे से आपको कुछ इस टाइप से फ्लेयर पैटर्न भी मिल जाएगा. इस पर चेक तो बने हुए हैं बट छोटे छोटे फ्लावर्स भी बने हुए हैं. तो ये जो है ना हल्का सा ट्रांसपेरेंट है तो इसके अंदर आप जो भी इनर पहन रहे हैं वो लाइट स्किन कलर या वाइट पहन सकते हैं. मैंने इसे लिया है मीडियम साइज में बट आई बिलीव अगर मैं स्मॉल साइज में भी लेती तो भी मुझे अच्छी तरीके से फिट हो जाता. सो दिस इज द फर्स्ट ड्रेस एंड ये पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर काफी क्यूट लग रहा था. सो दिस इज द फर्स्ट वन दैट आई गॉट. उसके बाद बाय द सेम ब्रांड आई गॉट दिस ड्रेस. सो इस पर बहुत ही ज्यादा क्यूट से चेरीज बने हुए हैं. ब्लैक कलर का है ये ड्रेस एंड आप देख सकते हैं कि इस पर बहुत क्यूट से चेरीज बने हुए हैं. तो यहाँ पे नेकलाइन जो है आप देख सकते हैं इट्स डीप एंड इसमें ना बहुत ही ज्यादा क्यूट से पफ स्लीव्स भी दे रखे हैं. मटीरियल की बात करें तो दोनों मटीरियल जो ड्रेस का है ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है एंड इट्स अ वेरी थिन लाइट वेट मटीरियल. बहुत ज्यादा ब्रीदेबल है ये. वैसे तो मुझे रेयन पॉलिएस्टर का ब्लेंड लग रहा है बट एनी विच वेज आई फील लाइक इट्स रियली गुड क्वालिटी बिकॉज ये पहन के बिल्कुल मतलब गर्म नहीं होता है. योर बॉडी डजंट एज सो इट्स वेरी लाइट वेट. सो पैटर्न की बात करें तो ये बहुत ज्यादा फ्लोई है एंड इट्स ब्लैक सो इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल. सो ये कुछ इस टाइप से है एंड इसमें आपको इस टाइप की गैदरिंग मिल जाएगी. ये भी अगर मैं स्मॉल साइज में लेती तो मुझे फिट हो जाता बट मैंने इसमें लिया है मीडियम साइज. सो ये पहनने के बाद भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा. So this is something that you can wear for a picnic, dinner, lunch के लिए भी आप पहन सकते हैं. So this is the next one that I got. उसके बाद I got two dresses. ये दोनों party wear dresses हैं and around 1500 something rupees के थे ये. तो ये first मैंने black add to cart किया था and I'll show you in a मिनट कि मैंने दूसरा कौन सा ऑर्डर किया. तो ये जो ब्लैक ड्रेस है नो डाउट इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. मतलब जैसे दिख रहा था सेम वैसे का वैसा ही मिला. मैंने इसे मीडियम साइज में ऑर्डर किया. सो ये कुछ इस टाइप से है. इस पर बहुत ज़्यादा टेक्सचर दे रखा है, वेलवेट का टेक्सचर दे रखा है. प्लस इसमें आपको लाइनिंग भी मिल जाएगी. क्वालिटी की बात करें तो इवन दो इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है एंड पहनने के बाद ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. लेकिन इसमें जो भी टेक्सचर दे रखा है ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है इस टाइप से एंड नीचे से कुछ इस टाइप का मेश मटेरियल दे रखा है. सो आई गॉट दिस एंड इसमें कोई भी स्लीव्स अटैच नहीं है. सो पार्टी वेयर ड्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. अगर बर्थडे ड्रेस इफ यू लुकिंग फॉर अ नाइस बर्थडे ड्रेस यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन. नाउ ये मैं देखा एंड सिमिलरली कुछ टाइम बाद जस्ट मैं जैसे देख रही थी तो मुझे एक और ड्रेस पसंद आया बट लिटिल डिड आई नोटिस इट इज़ काइंड ऑफ द सेम ड्रेस. आई मीन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द कलर पैटर्न टेक्सचर सॉरी कलर को छोड़ के पैटर्न टेक्सचर सब कुछ ही सेम है. सो आपको ये मिल जाएगा बट इसमें ना हल्का सा डिफरेंस है जैसे कि आप देख सकते हैं पैटर्न में. पता नहीं इमेज में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था बट एज यू कैन सी इस पे वर्टिकल लाइन वाला डिजाइन दे रखा है एंड इस पे कुछ अलग सा डिजाइन दे रखा है. सो इट्स नॉट एब्सोल्यूटली सिमिलर बट इतना ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है. तो आप दोनों कलर्स में से कोई चूज कर सकते हैं फॉर अ रियली नाइस पार्टी वेयर इवेंट या फिर बर्थडे ड्रेस के हिसाब से. सो इस पे कुछ इस टाइप का दे रखा है एंड देन नीचे से ना ये कुछ इस टाइप से है. इसका भी जो मतलब ये ड्रेस फर्स्ट ड्रेस जो है इसमें मेश का पैटर्न आपको मिल जाएगा बट इस पे शिफॉन का मटेरियल आपको मिल जाएगा एंड जो इसका कट है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है. नो डाउट दोनों ड्रेस पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं. सो आप दोनों ड्रेस अगर परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं बट आई बिलीव कि दोनों में से एक करोगे तो इट वुड बी बेटर बिकॉज पहनने के बाद काइंड ऑफ सिमिलर ही लगता है. बस
कलर को छोड़ के. सो ये मैंने लिया है मीडियम साइज में. उसके बाद आई गॉट दिस ड्रेस बाय इली लंडन. इली लंडन के जो ड्रेसेस होते हैं, उनके जो टॉप्स होते हैं, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल भी होते हैं, कम्फर्टेबल भी होते हैं. आई हैव अ बंच ऑफ ड्रेसेस, अ बंच ऑफ टॉप्स जो मैंने अमेजोन से लिया है. तो इस बार मैंने ये ड्रेस लिया है. इसे भी आप पार्टी वेयर ड्रेस या फिर बर्थडे ड्रेस के हिसाब से पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड प्लस अफोर्डेबल भी है. ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. सो ये जो है आप इस तरीके से आप पुल कर सकते हैं. जो नेक है इस पर रूज पैटर्न होता है एंड देन ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा. तो आप आपके अकॉर्डिंग यू कैन डेफिनेटली पुल दिस और यू कैन लीव दिस एज इट इज. एंड ये जो ड्रेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा बॉडी कॉन ड्रेस है. सो इसका लेंथ भी जो है काफ़ी अच्छा दे रखा है. एंड ये मैंने लिया है रेड में, बट इसमें 5 to 7 कलर्स आपको मिल जाएंगे. जो इसके स्लीव्स है ये एडजस्टेबल नहीं है एंड इसका मटीरियल जो है विस्कॉस टाइप का मटीरियल है. यू कैन डेफिनेटली चेक ऑनलाइन एग्जैक्ट मटीरियल इसका कौन सा, बट इट्स वेरी वेरी कम्फर्टेबल. एंड इली लंडन के आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा है 100% ऑफ द ड्रेसेस टॉप्स इसी टाइप के मटीरियल के होते हैं. सो ये मैंने लिया है. उसके बाद आई गॉट दिस ड्रेस एंड दिस इज बाय द ब्रांड हर्पा. एंड ये जो है ये एक फुल लाइक मैक्सी ड्रेस गाउन की तरह है. इसमें 2 कलर्स अवेलेबल थे बट मैंने ब्लैक लिया इसमें. सो ये कुछ इस टाइप से ये ड्रेस है एंड आप देख सकते हैं कि इसका जो नेक है ये बहुत ही ज़्यादा डीप है. मुझे लगा था कि इसमें एडजस्टेबल स्ट्रैप्स होंगे, बट इसमें एडजस्टेबल स्ट्रैप नहीं है, ये इसी टाइप का है. सो अगर आप थोड़े से शॉर्ट हो तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा डीप होगा, या फिर अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप इसे यहाँ पे टक कर सकते हैं इस तरीके से. इट विल जस्ट रिक्वायर 1 स्टिच, तो वो भी आप कर सकते हैं इन केस यू रियली रियली लाइक दिस ड्रेस. वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला ड्रेस है एंड इसमें आपको लाइनिंग मिल जाती है. द नेक इज़ अ लिटिल डीप बट अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा मतलब प्लेन ड्रेस है, बट पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है. एंड जो प्लेन ड्रेसेस होते हैं उन्हें आप लिटरली कैसे भी एक्सेसराइज कर सकते हैं. सो ये है. एंड इसके इस ड्रेस के साथ आपको हाफ ड्रेस से भी थोड़ा सा नीचे तक लाइनिंग मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. एंड इसे मैंने साइज लिया है मीडियम. सो ये मैंने लिया है नेक्स्ट. सो दोज वर ऑल द ड्रेसेस दैट आई गॉट. उसके बाद मैंने ये टॉप लिया है. ये टॉप एक्चुअली मैंने मेरे लास्ट टू लास्ट हॉल के लिए लिया था. अगर आपने वो अमेजोन हॉल मिस कर दिया, एक मैंने कुर्ता हॉल किया था एंड एक आई बिलीव मैंने टॉप हॉल किया था, जहाँ पे मैंने 10 टॉप्स एंड यू नो इसी तरीके का वॉज अ ह्यूज हॉल. अगर आपने मिस कर दिया, बहुत अफोर्डेबल चीज़ें थी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. सो ये टॉप मैंने तभी लिया था बट दिखाना भूल गई थी. तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सा कॉटन का टॉप है. स्कूल्स कॉलेजेस ऑफिसेज अभी यू नो चलने लगे हैं, तो इफ इन केस आप बाहर जाने के लिए कुछ अच्छा पहनना चाहते हो जो बहुत कंफर्टेबल हो, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली परचेज. ये स्लीवलेस है, इसमें कोई स्लीव्स अटैच नहीं मिलते हैं. स्लीव्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा प्रिंट मिलेगा, फुल प्रिंटेड टॉप है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. ये जो टॉप है आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं, लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ पहन सकते हैं. यू कैन एक्चुअली वेयर देम विद प्लाजो एज वेल. सो ये मैंने लिया है जनसिया से इन दिस साइज स्मॉल एंड पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. सो ये नेक्स्ट लिया है. सो नेक्स्ट मैंने ये शॉर्ट्स लिए हैं एंड दीज आर बाय द ब्रांड सिसनी. ये जो शॉर्ट्स है ये हॉट शॉर्ट्स है, तो इनकेस आप कहीं कैजुअल वेयर के लिए पहनना चाहते हो तो आप पहन सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट डेफिनेटली वेयर दिस टू कॉलेज. ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट वाले शॉर्ट्स हैं. तो ये ना मैंने मेरे ट्रिप के लिए, अभी रिसेंटली मैं गई थी स्पेन काफ़ी लंबे ट्रिप के लिए, तब ऑलमोस्ट पूरे ट्रिप में मैंने ये शॉर्ट्स पहने, 2 ही शॉर्ट्स लेके गई थी. एंड ये जो शॉर्ट्स है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. आई हैड टू ट्रैवल अ लॉट, आई हैड टू वॉक अ लॉट, उसमें आई वुड से दैट ये बहुत कंफर्टेबल है एंड ये स्ट्रेचेबल भी है. दिस इज़ बाय द ब्रांड सिसनी. फर्स्ट टाइम मैं इसे परचेज कर रही हूँ. तो ये जो साइज़ है मैंने इसमें 28 लिया है एंड मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हुआ. इट्स रिप्ड ओवर हियर एंड पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है. इनकेस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन चेक आउट अ बंच ऑफ लुक्स आई क्रिएटेड विद दिस. आधे मैंने पोस्ट नहीं किए बट जो थोड़े बहुत पोस्ट किए उसमें से आप चेक कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा अच्छे वाले शॉर्ट्स हैं एंड काफ़ी ड्यूरेबल है बिकॉज पूरे ट्रिप में वॉशिंग मशीन में मैंने इन्हें धोया था, तो हाँ काफ़ी अच्छे है ये. सो ये लिया है नेक्स्ट. एंड उसके बाद लास्ट आई हैव दिस. सो दिस इज
टोटली आउट ऑफ द ब्लू ये पूरा का पूरा जो हॉल है ये टोटली मिक्स हॉल है. सो दिस वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल. ये मैंने ला के रखा था, आई एम नॉट श्योर कि ये मैंने दिखाया था इससे पहले या नहीं. तो ये कुछ इस टाइप से फुल वेडिंग ज्वेलरी है जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में अमेजोन पे अभी मिल रहा है. पहले भी अफोर्डेबल रेट में मिल रहा था बट अब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है. तो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं. तो क्वालिटी इज़ रियली गुड एंड पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. कोई भी सिंपल साड़ी के साथ भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा. एंड इसके साथ साथ इस टाइप के कुंदन के ईयर रिंग्स भी मिलते हैं. सो ये सेल के दौरान बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल रहा है. तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग समथिंग लाइक दिस यू कैन डेफिनेटली चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड और भी मैंने अमेजोन हॉल्स किए हैं ज्वेलरी हॉल्स, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. ऑल्सो अमेजोन पे जो सेल है 22nd तक है. तो देयर इज अनदर वीडियो कमिंग अप जो कि अमेजोन फुटवेयर हॉल होने वाला है. सिंस ऑफिसर्स कॉलेजेस खुल गए हैं, एवरीबडी इज गोइंग आउट, तो मैंने डिसाइड किया दैट आई शुड शो यू ऑल सम रियली अमेजिंग फुटवेयर जो कि आई थिंक अंडर 600 रुपीज़ है. सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जो वीडियो है वो 2-3 दिन में आ जाएगा. ऑल्सो यू कैन चेक आउट माई सेकेंड चैनल जहाँ पे मैंने पूरा जो ट्रिप है मेरा स्पेन का वहाँ पे व्लॉग किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.